बोल ये देखे कोरे को 70 का कॉर्पोरेट। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जिस चीज़ का डर था बॉयज वही काम हो चुका हुआ है। गाड़ी के सस्पेंशन का काम निकल आया है। अभी जब मैं सुबह को गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी का स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो सस्पेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं आपकी, इसके अंदर आते हैं चिमटे के बुश आते हैं, जी लिंक आते हैं, लोअर आर्म आता है, शॉक आते हैं। तो मुझे अभी पता नहीं है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। अभी मैं जा रहा हूँ नईम साहब के पास, काफ़ी ज़्यादा रश है, तो जाकर उनसे पूछते हैं कि बताएं, देखें खोलें किस चीज़ की आवाज़ है। बॉयज जब आप गाड़ी पे आफ्टर मार्केट काम करते हैं तो ये चीज़ें तो होती हैं। अभी यहाँ से मैं निकाल लूँ फिर मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप आफ्टर मार्केट काम करते हैं तो ये चीज़ें तो सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि यहाँ के रोड्स ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गाड़ी इस तरह रफली चलाई जाए। क्योंकि गाड़ी मेरी डेली ड्रिवन है तो दो तीन जगह पे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये इशू हो, या मुझे इशू ये लग रहा है कि जब मैं कॉयल ओवर्स लगवा रहा था तब नईम साहब से शायद स्टेयरिंग रैक का कोई बूट वगैरह फट गया था, और काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा पानी में गाड़ी लेकर गया हूँ, तो शायद बूट के फटने की वजह से पानी अंदर गया है और कोई जंग वगैरह शायद लगा है अंदर, तो इस वजह से अब नहीं कर रहा है। देखें स्टेयरिंग अब बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब देखते हैं और नईम साहब उन्होंने कहते हैं ज़रा उची आवाज दसो कि रोला है, ठीक है, क्योंकि शाम से पहले पहले गाड़ी ओके करवानी है, इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा दिन दें फिर मांग। यार वो ट्रैफिक सिग्नल खुल जाए फिर ही जाएंगे आगे, वार्डन खड़े हैं। यार सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है बॉयज, सॉरी मैंने आपने भी मुझे बताया नहीं सीट बेल्ट का। क्या बोला तूने? बॉयज सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। ये देखें लाइट चलेगी अब आगे, इसलिए हम जरा स्लो स्लो जा रहे हैं ताकि चलान ना हो जाए सुबह सुबह ही। तो बॉय सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद मुझे आप बताएं मैं गाड़ी को किस कलर का रैप करवाऊं, ठीक है। अपनी राय से आगाह करें मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह ताला उस कलर का रैप करवाएंगे गाड़ी को। और भी जो अब हम इन कामों से निकलें तो कोई और गाड़ी की मॉडिफिकेशन करें, कोई स्प्लिटर लगवाएं, कोई हैवी SMD लगवाएं, HD लगी हुई है, ठीक है। यार यहाँ से वो एक शर्त लगी थी मेरी चाचा जी के साथ, उनकी मैं मिठाई पकड़ लूँ, अक्सर लोग मिठाई भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताएं मुझे ज़रा, मिठाई। बस टायर ओपन हो गए हैं, अब इसके चिमटे ओपन करने हैं। ये बॉल जॉइंट है, ये देख सकते हैं ख़राब हो रहा है, ये देखें। तो ये क्यों होता है ऐसे, कुछ ही दसना क्या क्यों होता है ये चिमटे शिमटे फारक क्यों हो जाते हैं सारा कुछ? ये जब बेहतियाती करें, अच्छा जंप में ग्रप ग्रप लगाए, अच्छा समझ रहे हो आप? अच्छा फिर होता है, फिर ये बुश वगैरह टूट जाते हैं। बुशों का क्या काम होता है? बुशों का काम होता है कि जंप को कवर करना। अच्छा जंप को कवर करना। और बॉल जॉइंट का? बॉल जॉइंट तो स्टेयरिंग के मूविंग के लिए होते हैं ना। अच्छा ठीक हो गया। तो बॉयज अपडेट ये है कि धूप भी निकल आई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी तक तो इसके चिमटे के बुश हैं वो टूटे हुए हैं, ये भी खोल रहे हैं गाड़ी। अभी और मज़ीद पता चलेगा क्या क्या नुकसान हुआ है। ये नुकसान होता है बड़े टायर लगाने से, रिम बड़े लगाने से, क्योंकि जो कंपनी ने जो फिटमेंट नीचे से बनाई है ना वो 15 इंच टायर की बनाई हुई है, लेकिन अब हमने 17 लगाए हैं। तो ये काम मैंने कहा अभी हम दसो किदे हल लो हम दसो परवेज लाही हल ऐसी परवेज लाही ना नासिर शाह जी के दोस्त था सामने। अच्छा ठीक हो गया। तो बस ये है बॉल जॉइंट,
स्टीयरिंग की मूवमेंट इससे है, और ये हैं चिमटे के बुश, ये दो ख़राब हैं, उधर का भी हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छी आवाज ये है। तो बहुत ये चिमटों के अंदर बुश डल गए हैं, नए वाले जो भी लिए हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, शुक्र है मौसम अच्छा हो गया है। तो बॉयज चिमटे के बुश डलवाए हैं हमने, और बॉल ज्वाइंट चेंज हुए हैं। बॉल ज्वाइंट की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या कंडीशन है। उसकी वजह से स्टेयरिंग की जो कटाई है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, ईपीएस होने के बावजूद। ईपीएस बोले तो अपना इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, ठीक है। तो अभी वो नहीं सब करते हैं फिटिंग, उसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्मूथ होती है, ठीक है। उम्मीद है और ख़र्चा नहीं निकलेगा। यार ये आप बॉल जॉइंट का पूछ रहे थे कि क्या काम होता है, ये आपको नेम सब खुद बताएंगे जी। नहीं भी बताएं, बॉल जॉइंट ना हो तो, बॉल जॉइंट ना हो तो एक्सल बाहर आ जाता है, टायर बाहर आ जाता है, गाड़ी नीचे गिर जाती है। बहुत तेज हो रहा है। ये बताया रिबोन कैसी गाड़ी है, सही सही मतलब हर लिहाज से रिबोन बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, बैठ गया, पेट्रोल ज्यादा खाती है, ठीक हो गया। ये वो बंदा रख सकता है जिसका पंप अपना। ये भी डलेगा, ये है बैलेंस रॉड बुश, ये जाकर पता करते हैं। बस ये ले लिए होंडा के ही मिले हैं। यार निम्बी ये क्या की है, ये कोरे तो 125/70 का कारपेट लगा दिया। दिखाओ बस। ये देखे कोरे को 70 का कारपेट, सिर्फ सिर्फ नहीं मैकेनिक के पास। एवरेज क्या है, एवरेज 20-25। तो स्पीड सही है, सही है। ये बोतल भी 70 की है। भाई यार, भाई बहुत तंगता है गाड़ी से। वाह यार नहीं भाई, छा गए हो आप, रिबोन को लग जाएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इधर इधर पर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और मैंने आपसे आज पूछा किया कि आप मुझे सजेस्ट करें मैं गाड़ी को किस कलर के अंदर रैप करूँ, ठीक है, नार्डो ग्रे भी ना, ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।